दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ईसा स्टिचिंग हेल्प में। इस वीडियो में 34.5 इंच कमर की डबल पिल्टो वाली पैंट की कटिंग किस तरह से की जाती है देखेंगे। और यदि हमारे पास पैंट की जांग का नाप नहीं है तो हम डबल पिल्टो वाली पैंट में जांग का नाप किस तरह से निकालते हैं बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें और इसी तरह की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑल पे रख ले ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों पैंट का नाप देख लेते हैं। लंबाई है 39 इंच, हिप 38 इंच, कमर है 34.5 इंच, मोहरी है 18 इंच। तो इन्हीं नापों से दोस्तों आज हम डबल पेट वाली पैंट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम एक सीधी लाइन करेंगे। इसके बाद हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो हम इंची टेप को ये देखिए 1 इंच ऊपर की तरफ निकालेंगे क्योंकि यहां पर हम 1.5 इंच का बेल्ट लगाएंगे। तो हम 1 इंच ऊपर की तरफ इंची टेप को निकालेंगे और जो पैंट का लंबाई है 39 इंच है तो यहां पर हम 39 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद यहां पर 2.5 इंच फोल्डिंग लेंगे। तो 1, 2 और ये 2.5 इंच आप चाहे तो यहां पर 3 इंच तक ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है आप कितना लेंगे फोल्डिंग करने के लिए। इसके बाद हम लटक का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले इंची टेप को नीचे लाएंगे ये देखिए इस तरह से, और यहां पर हम लटक का निशान हिप के हिसाब से लगाएंगे। तो पैंट का जो हिप है 38 इंच है और 38 का चौथा हिस्सा करेंगे तो 9.5 इंच, लेकिन ये लूजिंग पैंट है, डबल पेल्टो वाली पैंट है तो यहां पर हम 1/2 इंच प्लस करके निशान लगाएंगे 10 इंच पे। यदि दोस्तों डबल पेटो वाली पैंट है, लूजिंग पैंट है, तो आप 1/2 से 1 इंच तक यहाँ पर प्लस करके लटक का निशान लगा सकते हैं। तो यहां पर हम 1/2 इंच प्लस करेंगे और 10 इंच पे लटक का निशान रखेंगे। इसके बाद दोस्तों यहां पर हम जांग का निशान लगाते हैं, लेकिन यहां पर हम जांग का नाप नहीं लिए हैं तो हम देखिए किस तरह से यहां पर जांग का निशान लगाएंगे। तो यहां पर दोस्तों हम सबसे पहले, हमारे पास यदि जांग का नाप नहीं है तो हम कमर का निशान पहले लगाएंगे। तो पैंट का जो कमर है वो 34.5 इंच है तो यहां पर हम लिख देते हैं 34.5। तो 34.5 इंच का चौथा हिस्सा करेंगे तो 8.5 इंच और 1 सूत। लेकिन दोस्तों डबल पेटो वाली पैंट में हमेशा आप 1/2 से 1/4 इंच तक माइनस करके ही रखें फ्रंट को। तो यहां पर हम 1/2 इंच और 1 सूत माइनस करेंगे और 8 इंच रखेंगे यहां पर फ्रंट और बाकी को हम बैक पार्ट में कवर करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले देखिए हम 2 सूत एक्स्ट्रा निशान लगा लेंगे क्योंकि इस तरफ फ्रंट जो है हल्का सा डाउन रहता है फ्रंट की तरफ, ये देखिए इस तरफ हम हल्का सा डाउन रहता है तो हम 2 सूत ले लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम यहां पर 1/2 इंच दबाव का निशान लगाएंगे, जो साइड दबाव रहता है उसके लिए 1/2 इंच लेंगे। इसके बाद हम कमर का चौथा हिस्सा लेंगे तो हम कमर का चौथा हिस्सा यहां पर 8 इंच रखेंगे। इसके बाद यहां पर हम प्लेट के लिए लेंगे तो यहां पर हम प्लेट के लिए 2.5 इंच लेंगे। इसके बाद 1/2 इंच दबाव के लिए लेंगे, जो फ्लाई की तरफ 1/2 इंच दबाव रहता है उसके लिए हम 1/2 इंच लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहां से यहां तक कोर तक कितना है देखेंगे तो यहां पर आ रहा है हमारा 12.5 इंच। तो हमने जांग का नाप नहीं लिया है दोस्तों तो हम किस तरह से लगाएंगे, तो यहां से जितना हम निशान लगाए हैं प्लेट के लिए, दबाव के लिए और कमर का चौथा हिस्सा रखे हैं उतना ही निशान, ये देखिए 12.5 इंच, उतना ही निशान यहां पर हम जांग के पास लगा लेंगे कोर से, ये देखिए 12.5 इंच। अब इसके बाद दोस्तों यहां पर हम फ्लाई के लिए इस तरफ 1/2 इंच रखेंगे, तो ये देखिए यहां से हम 1/2 इंच रखेंगे। हमने यहां पर ये देखिए दोस्तों 2 सूत एक्स्ट्रा निशान लगाया जो हल्का सा झुकाव रहता है फ्रंट की तरफ, उसके बाद 1/2 इंच दबाव के लिए लिया है जो साइड दबाव रहता है उसके लिए, उसके बाद यहां पर कमर का चौथा हिस्सा लिए हैं, उसके बाद यहां पर 2.5 इंच प्लेट के लिए, उसके बाद 1/2 इंच जो फ्लाई की तरफ दबाव रहता है उसके लिए लिए हैं, उसके बाद जितना यहां से यहां तक आए उतना ही यहां से यहां तक हम निशान लगाए हैं। उसके बाद यहां पर हम ये देखिए 1/2 इंच फ्लाई के लिए लिए हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों हमारा जो जांग का नाप है वो टोटल निकल कर आ गया, तो हमारा जो यहां से यहां तक आ रहा है 13.5 इंच और 13.5 को डबल करेंगे तो 27 इंच हमारा जांग का नाप निकल कर आ गया। तो इस तरह से दोस्तों यदि आप जांग का नाप नहीं लिए हैं या भूल गए हैं तो इस तरह से आप जांग का नाप निकाल सकते हैं कमर के नाप से। तो ये देखिए दोस्तों यहां पर हमारा जो जांग है 27.5 इंच निकल कर आ गया।
इसके बाद इसको सेंटर कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम सेंटर कर लेंगे। अब सेंटर से यहां तक देखेंगे कितना है, तो ये देखिए 7.25 इंच, तो यहां पर भी हम सेंटर का निशान लगा लेंगे 7.25 इंच कमर में, और यहां पर मोहरी के पास भी निशान लगा लेंगे सेंटर का 7.25 इंच पे। इसके बाद फ्लाई को 1/2 इंच डाउन करेंगे, ये देखिए इस तरह से, और जांग के निशान से हम 1.25 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से, और इस तरह से ये देखिए हम राउंड कर लेंगे फ्लाई को। इसके बाद यहां पर हम प्लेट का निशान लगा लेंगे, तो हमने प्लेट के लिए 2.5 इंच लिया था, तो 1.25 इंच का यहां पर हम 2 प्लेट रखेंगे, तो सेंटर पॉइंट से ये देखिए 1.25 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे, उसके बाद 1 इंच गैपिंग देंगे, उसके बाद 1.25 इंच फिर निशान लगाएंगे प्लेट के लिए। इसके बाद यहां पर साइड पॉकेट का निशान लगाएंगे, तो यहां से देखिए दोस्तों इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और 1.25 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे, उसके बाद यहां पर हम पॉकेट रखेंगे 6.5 इंच, आप चाहें तो 5.5 या 6 इंच तक रख सकते हैं, तो यहां पर हम 6.5 इंच लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से हम यहां पर पॉकेट का निशान लगा लिए हैं। इसके बाद मोहरी का निशान लगाएंगे, तो मोहरी है 18 इंच, तो यहां पर हम लिख देते हैं 18 इंच, और 18 का 1/2 करेंगे 9 इंच, 9 का 1/2 करेंगे 4.5 इंच, तो सेंटर से हम 4.5 इंच इधर लेंगे और 4.5 इंच इधर लेंगे, तो 9 इंच, और 9 को डबल करेंगे तो 18 इंच मोहरी निकल जाएगा। यहां पर फ्लाई को जो 1/2 इंच डाउन किए हैं, तो इस तरह से हम इसको शेप दे देंगे। और मोहरी से जांग तक यहां पर हम राउंड फंडी से शेप देंगे, तो ये देखिए इस तरह से हम शेप देंगे। इसके बाद राउंड फंडी को पलटी करेंगे इस तरह से और यहां पर शेप देंगे। एकदम साफ कर लो। अब देखिए दोस्तों यहां पर जब कटिंग करेंगे, तो 2 सूत यहां पर एक्स्ट्रा लिए हैं, वहां से हम कटिंग करेंगे। ये देखिए हल्का राउंड करेंगे, यहां पर सेंटर के पास इस तरह से कट लगा लेंगे, यहां पर प्लेट के पास भी इस तरह से कट लगाते जाएंगे, ताकि जब हम स्टिचिंग करेंगे तो आसानी होगी। यहां पर ये देखिए पॉकेट के पास भी कट लगा लेंगे, यहां पर फ्लाई के पास भी इस तरह से कट लगा लेंगे। यहां पर बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, ऊपर साइड को नीचे ले जाएंगे और नीचे साइड को ऊपर ले जाएंगे। Thank you.
इसके ऊपर फ्रंट को रखेंगे, ये देखिए इस तरह से। यहां पर ये देखिए जांग वाले लाइन को इस तरह से आगे बढ़ाएंगे और हाफ इंच ऊपर की तरफ एक लाइन और कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। यहां पर मोरी वाले लाइन को भी इस तरह से आगे बढ़ाएंगे। जांग के पास बेक में 2.5 इंच लेंगे और मोहरी के पास 1.5 इंच। इसके बाद जब बेक को भी शेप देंगे मोहरी से जांग तक, तो राउंड फंटी से ही देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जब शेप देंगे तो ऊपर वाले लाइन से नहीं देंगे, नीचे वाले लाइन से ही देंगे। इसके बाद जहां पर हम फ्लाई को 1/2 इंच डाउन किए हैं, तो वहां पर हम 1/4 इंच ऊपर की तरफ बेक में निशान लगाएंगे। इसके बाद बेक में कमर का निशान लगाएंगे, तो 34.5 इंच कमर है, तो 34.5 का चौथा हिस्सा होगा 8.5 इंच और 1 सूत, लेकिन हमने फ्रंट में 1/2 इंच और 1 सूत माइनस करके 8 इंच लिया था कमर का चौथा हिस्सा, बाकी को हम बेक पार्ट में कवर करेंगे। तो यहां पर हम बेक में 1/4 इंच रखेंगे कमर का चौथा हिस्सा। तो सबसे पहले 1/2 इंच दबाव के लिए निशान लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद हम कमर का चौथा हिस्सा लेंगे 1/4 इंच। इसके बाद 1 इंच डार्ट के लिए। उसके बाद यहां पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, आप चाहें तो यहां पर 2.5 इंच या 3 इंच तक, जो भी अपने हिसाब से यहां पर ले सकते हैं। इसके बाद हिप का निशान लगाएंगे, तो पैंट का जो हिप है 38 इंच है और 38 का चौथा हिस्सा करेंगे तो 9.5 इंच, और इसमें 1 से 1.5 इंच तक लूजिंग दे सकते हैं, तो यहां पर हम 1 इंच लूजिंग देंगे तो 10.5 इंच। तो सबसे पहले ये देखिए, यहां से हम 1/2 इंच दबाव का निशान लगाएंगे, तो यहां पर ये इस तरह से 1/2 इंच दबाव के लिए ले लेंगे। उसके बाद यहां पर हम 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद उंगली को इस तरह से रखेंगे और यहां बेक में निशान बना लेंगे। इसके बाद हिप और कमर वाले लाइन को इस तरह से हम सीधा कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा निशान लगाए हैं इसको भी इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। ऊपर वाले लाइन को इस लाइन से राउंड कर लेंगे और नीचे वाले लाइन को हिप वाले लाइन से। यहां पर कमर के पास ये देखिए इस तरह से कट लगा लेंगे। इसके बाद यहां पर हम बेक पॉकेट का निशान लगाएंगे, तो यहां से देखिए ऊपर से नीचे की तरफ हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे, एक निशान और लगा लेंगे 4 इंच पे। इसके बाद साइड से हम 2 इंच लेंगे और यहां पर हम पॉकेट रखेंगे 5 इंच। इसके बाद इस तरह से हम सेंटर कर लेंगे, तो यहां से ही सेंटर करेंगे, ये देखिए इस तरह से हम इसको रखेंगे इंची टेप को और यहां पर सेंटर का निशान बना लेंगे। यहां पर कट लगा ले इस तरह से। तो इस तरह से दोस्तों 34.5 इंच कमर की बगैर जांग के नाप के डबल पेटो वाली पैंट की कटिंग आसानी से कर सकते हैं।